अकाल, यू आर वॉचिंग मी एट पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वेल, जब भी मैं कोर्टरूम का नाम लेती हूं तो पहला शब्द जो हम सबके दिमाग में आता है, इफ आई मे आस्क यू ऑल्सो, तो क्या आता है? मेरे दिमाग में तो आता है एंजाइटी, स्ट्रेस। स्माइल करते हुए कह रही हूं, लेकिन एक्चुअली ये होता है, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है मेरा जब भी मैं कोर्टरूम के बारे में सोचती हूं। लेकिन क्या हो अगर कोर्टरूम का एक अलग डेफिनेशन आपको देखने को मिले, लॉयर्स की एक अलग जिंदगी आपको देखने को मिले, आप उनसे नहीं मिलना चाहोगे? डेफिनेटली मिलना चाहोगे, है ना? एंड यू गेस्ड इट राइट, मेरे साथ आज वो सब लोग हैं जो कोर्टरूम कॉमेडी लेकर हम सबके सामने आ रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द टैलेंटेड कास्ट ऑफ द इंडस्ट्री। लेट मी वेलकम फर्स्ट निधि बिष्ट, हु इज विद अस राइट नाउ। वी हैव रवि किशन विद अस, वी हैव नायला ग्रेवाल विद अस, एंड द क्रिएटर राहुल पांडे विद अस। राहुल, बहुत बहुत स्वागत। नायला, रवि एंड निधि, आप सबका बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट आपसे ही करना चाहिए। राहुल, आपने सोच कैसे लिया कि लॉयर्स की ऐसी जिंदगी को आप ऐसे दिखाएंगे और हम सब इतना पसंद करने वाले हैं उसको? सो खैर, सोचने का काम सौरभ और कुणाल ने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने इस शो को लिखा है, राइटर्स हैं। तो वही है जो आप अभी कह भी रही थी कि हमने अक्सर जब भी कोर्ट को देखा है ना, तो वो जगह ऐसी लगती है बड़ी सीरियस है, कोई जाना नहीं चाहता। बट ये शो देखने के बाद आप भी सोचोगे कि एक दो सुनवाई में पहुंच ही जाना चाहिए। इट्स दैट फनी स्पेस। सो हमने जब R&D भी किया, अलग अलग कोर्ट्स में भी गए। अच्छा। ये उनकी लॉयर्स कहाँ पर चाय पी रहे हैं, वहां जाकर वो क्या आपस में बात कर रहे हैं ये सुना करते थे। किस तरीके की फॉयर की लाइफ होती है। सौरभ और कुणाल ने इन सारी बारीकियों को स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से उतारा है। सो हमारी कोशिश ये थी कि कोर्टरूम के अंदर आप लोग बहुत कुछ देख चुके हो, है ना, फिल्मों में, लेकिन कोर्ट प्रिमाइस में क्या होता है ये अब तक देखा नहीं गया है। सो उसे ही लाइटर वे में लेकर आ रहे हैं। मामला लीगल है। अरे, इतना रिसर्च करने का जरूरत नहीं था, तो निधि बता देती हूँ ऑलरेडी, LLB करी हुई उन्होंने तो, है ना? यार, मैंने बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने 5 साल दिल्ली में लॉ पढ़ाई की है, लेकिन मैं फर्म में प्रैक्टिस करती थी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटपड़गंज की दुनिया सौरभ और कुणाल ने बनाई है, ये दुनिया मेरे लिए भी उतनी ही नहीं थी जितना हम सब के लिए, मतलब बाकी और जो किरदार निभा रहे हैं वो सारे एक्टर्स के लिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी कैरेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पेपर पे ही सॉल्व हो गई थी, है ना? Yes. इतनी खूबसूरती से, आप 2 एपिसोड देख चुके हैं, तो इतनी खूबसूरती से सारे कैरेक्टर्स के आर्क्स हैं, इतने अच्छे अच्छे केसेस आते हैं और अच्छे अच्छे सुन के लगता है, पता नहीं आप लोगों के दिमाग में किस तरह की इमेज आती है। तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि जैसे एक केस आता है जो ट्रेलर में भी है कि एक तोते के ऊपर FIR लग गई है ना, तो उसको बेल दिलानी है। अब अभी सुन के ही हंसी आ रही है, पर ये असल में हुआ है और हिंदुस्तान में ही हुआ है, तो वो कितनी कमाल की चीज़ है। और 8 एपिसोड हैं, तो आई एम श्योर जो केसेस हैं वो इतने ही नंबर के हैं, हर एपिसोड में कुछ अतरंगी केसेस आते हैं। पर उनकी रिसर्च में मैंने देखा था कि उनके पास, मतलब कम से कम नहीं भी तो 50-80-100 केस थे ऐसे, विच स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ रिसर्च दैट इट हैड गॉन वाइल राइटिंग ओनली। फिर हाँ, मतलब आई थिंक मेरा जो लॉ जीवन का अनुभव था वो यहाँ इतना काम नहीं आया, मेरे लिए हैंडी था वो कैरेक्टर प्ले करते हुए, पर रिसर्च का मैं कहीं से पार्ट नहीं थी। अच्छा, इस पे तो मैं बहुत सारी बातें आपसे पूछा जाऊंगी, बट एक बार वो आपकी जो प्यारी सी वो सुजाता दीदी वाली स्माइल है ना, क्वर्की सी, वो प्लीज कर दो, कैमरा क्लोज प्लीज। वो कौन सी फुल क्रीम चाय लेके आना वाली, दूध वाली चाय लेके आना? ऐसे मैं दूध पीती नहीं हूँ, लेकिन कैरेक्टर के लिए चलेगा। कोई बात नहीं, मूविंग ऑन टू यू रवि। हमने अक्सर आपको अलग अलग वर्सेटाइल कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट यू आर प्लेइंग अ लॉयर? यस, ऑफ कोर्स, यस, ये दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर योर फर्स्ट टाइम, राइट? है ना? सो हाउ डिड यू चैनल योर इनर लीगल, या मैं कहूँ किस कैसे खुद को प्रिपेयर किया, और कितना स्पेशल रहा? आई एम श्योर इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर यू। ऑफ कोर्स, यस, आई वाज रियली स्केयर्ड, आई वाज वरीड आल्सो, बिकॉज़ आई एम गोना प्ले इट एंड इट्स नेटफ्लिक्स शो। त्यागी किरदार, इतना स्ट्रॉन्ग किरदार, इसका मुख्य किरदार, कहानी का हिस्सा, तो मैंने क्या किया कि मैंने समझदारी की, इतने सालों का एक्सपीरियंस, मैंने बोला ज्यादा दिमाग का लड़ाई नहीं लड़ने का, आई लुक्ड एट हिम, मैंने उनसे दोस्ती की, तो मैंने बहुत प्रेम से बात किया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर हम लोगों ने कुछ लिटरेचर की बात की, कुछ ज्ञान की बातें की, और उनको पता ही नहीं था कि मेरी वो साजिश थी, मेरी प्लानिंग थी इनको, और इनको धीरे से फिर मैंने बोला तुम त्यागी को कैसे देखते हो। तो ही इज एक्चुअली, लोग ये और राइटर पोषंपा, ये सारे समीर जी, एवरीबॉडी, ये लोग बहुत डूबे हुए व्यक्ति, इन लोग बहुत ही, दे आर ऑनेस्ट टू देयर वर्क, ऑनेस्ट टू देयर क्राफ्ट,
तो बहुत आसान रहा कि मुझे इन्होंने बताया त्यागी, तो मैंने इनको सरलता से पूछा, फिर इन लोगों से मुलाकात की, ये लोगों और ये लोग भी बड़े, एक बहुत सुंदर सा कैसे ये हो गया, आई विल गिव हिम ऑल द क्रेडिट कि इन्होंने बहुत सुंदरता से मुझे, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस को इनके साथ, इन लोगों का भी एक्सपीरियंस था, उसको मर्ज करके मुझे त्यागी को पेश किया, त्यागी के बारे में बताया, और त्यागी मुझे बहुत ही प्यारा इंसान लगा. Absolutely. त्यागी एक ऐसा इंसान है जिससे आपको मोहब्बत होगी, त्यागी से नफरत नहीं करेंगे. Bilkul. और त्यागी के साथ त्याग, और धीरे धीरे आप त्यागी के सपनों के साथ जुड़ेंगे, एंड यू प्रे एंड विश कि त्यागी बन जाए उसको जो बनना है. उस प्रीमाइसिस में, उस कोर्ट रूम में, उसको इसका एक सपना है उसको, और उसमें सब लोग लग जाते हैं, ताकत लगा देते हैं, पूरी इट्स लाइक अ वॉर फॉर देम, और वो वॉर में सारे इनोसेंट लोग लग गए हैं. त्यागी भी भोला है उसमें, एक यशपाल जी का किरदार है, वो अपनी एक लड़ाई है. Yes. उनके अपने तेवर है. अब सब लोग इसमें, एक कॉमेडी है, पूरा परिवार बैठ सकता है, माता पिता दादा दादी नाना नानी बच्चे. नेटफ्लिक्स पे क्या, 1 मार्च को सब लोग आएंगे, बैठेंगे, टीवी ऑन करेंगे, वो लाल कलर का लिखा हुआ जब नेटफ्लिक्स आता है ना, ऐसा मजा आता है, लाल कलर का ही मामला लीगल, एंड देन मामला लीगल है आएगा. आधे आधे घंटे का कैप्सूल है, बहुत सुंदर शो बना है, बहुत ही मजेदार. नेटफ्लिक्स ने ये हिंदी हार्टलैंड के साथ पूरे देश के लिए एक सुंदर तोहफा दिया. नायरा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने के बाद ऐसा जुगाड़ू लॉयर बनने का मौका मिलेगा जब स्क्रिप्ट आपके पास आई, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? Howard, this girl is coming from Howard, she's on LLM, now she's in this world. By the way, you're looking really, really pretty in the show. And I just adore the way of your styling has been done. I said, yaar, next wale mein main bhi aisa styling kar lungi. Thank you. That means a lot. Actually, we thought, when Ravi sir was saying how, you know, Rahul sir, Saurabh sir, how they all were so passionately helping us, I can't stress on that enough. I feel like they were literally holding our hand with every little nuance. Whether it's the way you wear your hair, whether it's the way you fold your sleeve, they always had input. And obviously you come with your own thought process as an actor, but they brought in so many more layers that as an actor, then you start thinking, okay, how can I play with it more? What else can I bring to it? And I think that's why, you know, you've seen 2 episodes, but I feel like that's why people and audiences may connect a lot with Absolutely. This. Because we all have put in so many different aspects into it. And that's why, you know, it's reaching. And you all have given your heart to it. Absolutely. And that we could see in the show. Hai na? Rahul, but itni appropriate casting mil jana, matlab casting kar lena, I think it's a bit tedious task. Aur aajkal agar main TVF ki bhi baat karti hu, they are known for their unconventional sort of casting. Aur wo bhi bahut relatable hoti hai, hum sab connect kar paate hain. So how did you do the casting? Wo kis See, casting mein bahut bada haath, puri team saath baithti thi. Hamari casting ke bade lambe sessions hain, kyunki script padhte hi aapko pata hai ki har kirdar ek dusre se alag hona chahiye. Jaise aap अगर यहाँ पर ये 3 लोग बैठे हुए हैं ना, अगर मैं आपको कुछ नहीं भी बताऊँ इनके कैरेक्टर के बारे में, तो आपको पता है कि ये 3 अलग दुनिया से आ रहे हैं, है ना? तो इनके अलावा जैसे विजेंद्र काला हो गए, तन्वी मैम है, यशपाल जी हैं, अनंत जोशी हैं जिनकी अभी 12th से, विवेक मोशरान कितने बड़े सरप्राइज, विवेक सर हैं, कुमार सौरभ, विक्रम, अमित, अंजुम, तो इन सबको लेकर आना वॉज डेफिनेटली अ बिग टास्क. मतलब आपने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा है जो मुझे लगता है अभी तक वैसे किसी ने पूछा नहीं था. तो बहुत लंबी जर्नी थी कास्टिंग की, क्योंकि आपका, आपको पता है आप सेट पे रोज जाकर इनके साथ काम करने वाले हो, तो आपको जिनके साथ काम करना है आप वहां जाके कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये वैसा नहीं लग रहा है जैसा मैं चाहता हूँ. सो आई थिंक एंटी कास्टिंग ने का बहुत बड़ा हाथ है, उसकी उनकी टीम ने दिन रात मेहनत की. हमारी कास्टिंग की मीटिंग्स रात के 2:30-3 बजे तक चलती थी, और फिर अगले सुबह 6 बजे हम लग जाते थे कि हमें किसे लाना है, कैसे लाना है. एंड लकीली आई थिंक सारे टिक मार्क सही बैठे हैं विद ऑल योर कैरेक्टर्स. सो या मुझे आपने शायद दूसरे या तीसरे दिन बोला था ना कि अब आप त्यागी पकड़े हो, कब बोला था? इनफैक्ट दूसरे दिन कहा था, क्योंकि खैर पहले दिन वैसे सीन्स भी वैसे ही थे जिसमें त्यागी एक्टिंग कर रहे हैं, त्यागी खुद त्यागी नहीं है, वो जब वाडिया वगैरह से मिल रहे हैं, सो बहुत ही स्मार्टली प्लांटेड सीन्स थे. दूसरे तीसरे दिन आप प्रभावित हुए कि अब मुझे त्यागी मिला, क्योंकि मुझे तो लगता है वो त्यागी हमेशा ही दिखता है, वो आता रहता है बीच-बीच में. But that's what I wanted to ask him also. My next question was that only कि how do you approach your acting style? You're effortless in whatever you do. मैं इसके पहले कि ये कुछ कहे, just ये बता रहा हूँ कि
इन्हें है ना गेस करना बहुत मुश्किल है। एज अ डायरेक्टर भी मैं स्क्रीन के पीछे बैठा हूँ ना, ये कब एक्टिंग कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इन्हें कट बोलोगे ये कट नहीं होते। अच्छा हाँ, तो इसलिए इनके साथ मैं कट बोलता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि लाइन जहाँ खत्म होती है त्यागी उसके बाद भी दो तीन हरकतें ऐसे करते हैं। तो हमारे एडिट में भी ऐसी कई चीजें हैं जो सीन खत्म हो चुका है बट ही स्टिल इन दैट जोन कि वो करते हुए ही कैमरा से बाहर जा रहे हैं। सो That's a bit tricky also, and वो बहुत thoughtful होता है मुझे लगता है एक एक्टर के लिए भी कि उसके मतलब लाइक कट के बाद का जो प्रोग्रेसिव एक्शन है दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन एन एक्टर्स लाइफ। व्हाट डू यू सी व्हेन व्हेन डायरेक्टर इज वेरी स्मार्ट व्हेन ही कास्ट ऑल द गुड एक्टर्स विद यू, तो इस जुगलबंदी जैसा भी आप है ना, आपने गौर किया आप आई हैं और आपने जैसे सवाल फेंके हम चारों अलर्ट जोन में आ गए। हम लोग इतने थके हुए थे इतने सीरियसली देखे, तो आपने आते के साथ जो अलग से फ्रेश फ्रेश खेला तो एकदम पहले तो ये ट्वाइंग ये हो गए। तो ये जरूरी है कि आपको कैसे जुगलबंदी अब कुछ जर्नलिस्ट आके वैसे टेक ऑफ नहीं दे पाते, तो आपके पास भी वैसा फेंकने का कुछ रहता नहीं है। यू अंडरस्टैंड, सो करेक्ट गेंद तो करेक्ट शॉट, वो खेल वही था। मैं अगर मैं अच्छा लग रहा हूँ कुछ कुछ फिल्मों में, I don't watch my movies, I don't like watching my work because I don't know, maybe मुझे पता है कि predictable है कुछ चीज़ें। अब मैं हाल फिलहाल देख रहा हूँ मुझे अच्छी लग रही हैं अपनी, क्योंकि शायद मुझे अब वो समय आया कि अच्छे directors and अच्छा work। तो जुगलबंदी लोग सब सामने थे और कुछ एक्टर्स और भी हैं, विवेक मुश्रान ने बहुत अच्छा काम किया इसमें। वो तो हर एपिसोड में नया किस्सा है। तो अच्छी चीज ये है कि हर नए एपिसोड में आपको एक नया एक्टर भी मिल रहा है जो, और इनके अलावा जो नाम हम ले रहे हैं कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और आप उन्हें पहली बार देखेंगे एंड दे आर हियर फॉर अ लॉन्ग रन, क्योंकि वो हर मुद्दे के साथ आते हैं और बहुत बहुत ही प्यार से सबने काम किया है। वी हैड अ गुड वर्कशॉप, सो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहा सबके लिए। अच्छा, आप निधि टीवीएफ के साथ आप इतने टाइम से जुड़े हुए, आप तो मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन हो गया या फिर और उससे भी ऊपर है? बहुत सारे आपने लाइक कोलैबोरेशंस किए हैं ना। हाँ, मतलब मैंने 2013 से आई थिंक 2012 से मैं टीवीएफ के साथ काम कर रही थी, फिर 2020 में मतलब मैं अब टीवीएफ का हिस्सा नहीं हूँ, तो हम लोगों ने बाहर निकल के सब अपने अपने रास्ते हुए। तो पोशंपा पिक्चर्स यस आर द ओजी टीवीएफ गैंग, तो समीर सक्सेना, सौरभ खन्ना, बिस्वपति सरकार, अमित गोलानी, ये हैं चारों प्रोड्यूसर्स पोशंपा पिक्चर्स के। उस टाइम पे टीवीएफ के साथ अलग अलग तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स और स्केचेस के थ्रू अपनी बात कहने की कोशिश की, ऑडियंसेस ने इतना सारा प्यार दिया, रिलेट किया हम लोगों से, एंड विच इज़ वाई आई थिंक समथिंग लाइक मामला लीगल है बना और मुझे सुजाता करने का मौका भी मिल रहा है, तो वेरी वेरी एक्साइटेड। तो मैं एक और चीज़ में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप फर्म के लिए काम करती थी एज अ लॉयर, लॉयर बनने में तो वैसे उम्रें बीत जाती हैं एज एन एडवोकेट, स्टूडेंट ऑफ लॉ, हाँ स्टूडेंट ऑफ लॉ आप काम करती थी, तो तब आपको कैसे लगा कि आपको एक्टिंग में जाना चाहिए? या तो ऑल अलोंग स्कूल कॉलेज मैं बहुत नौटंकी किस्म की बच्ची तो रही, तो है ना घर पे कोई मार्क्स कम आए किसी सब्जेक्ट में अगर कभी, तो भाग के मंदिर के सामने जाना और रोना कि क्यों किया मेरे साथ भगवान तुमने। तो मैं आई हैव ऑलवेज बीन दैट चाइल्ड, इट्स जस्ट दैट वो होता है ना कि आपके अंदर से वो आवाज़ आने में आपको अपनी आवाज़ सुनने में टाइम लग जाता है, तो उसमें ही मैंने 5 साल की पढ़ाई, 2 साल की लॉयरगिरी, ये सब करते करते फिर हिम्मत आई कि घर वालों से ये बात की जाए कि और रॉक ऑन और थ्री इडियट्स ने भी बहुत साथ दिया कि देखो अब तो फिल्में भी आ गए हैं तो प्लीज थोड़ा काम करने का मौका मिले, कुछ अपने मन का करने दो, एंड किस्मत ने साथ दिया। मैं अपने आप को बहुत बहुत लकी मानती हूँ कि मैं आई भी और दिस इज नॉट ईजी, एस्टैब्लिश योरसेल्फ, चीज़ें बनती चली गई तो बस। अच्छा, आप लोग ने अपनी रियल लाइफ में कभी ऐसी कोई स्नीकी ट्रिक्स अप्लाई की हैं किसी एक फंसे हुए सिचुएशन में से निकलने के लिए, कुछ झूठ बोला, कुछ डिसऑनेस्टी, या जैसे मतलब लॉयर्स की जिंदगी भरी मैं पूछना चाहूँ कुछ ऐसी स्नीकी ट्रिक्स, लॉयर्स भी आजमाते हैं ना कई बार अपने क्लाइंट को प्रूव करने के लिए, है ना? सो स्टार्टिंग विद यू रवि, ऐसा कुछ किया आपने झूठ बोल के बचाया? हाँ, आपने आपको बहुत बार आपके बहुत से लगा आप ना बोलने कैसी बात है और हम सभी ने आई थी बहुत बार ये क्या आने वाला है, मैंने कभी भी नहीं, मैंने बहुत बार किया। ओके, झूठ तो देखो एक तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता नेक्स्ट डे, तो मैं फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं
मैंने समझ गया कि मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है कि मेरी याददाश्त कि वो नेक्स्ट डे में पकड़ा जाना ही जाना फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़े। तो मैंने बचपन में बहुत झूठ बोला था, देन आई स्टॉप बिकॉज ये फॉर्मूला मेरे साथ नहीं चलता, मैं फंस जाता और बड़ी बेइज्जती होती है जब झूठ पकड़ा जाता है। तो इससे अच्छा कि सच बोल के उस वक्त जो भी है धूम धड़ाका हो उसको झेल लो, बजाय इसको कि उसको लंबा च्युइंगम की तरह खींचो, इसका कोई मतलब नहीं और जिंदगी बड़ी हल्की रहती है। आप अच्छे से सोते हैं, बोल बाल के खत्म कर दिया, सो गया, सामने वाला थोड़ा मतलब समझ रहे आप। स्कूल कॉलेज का ही टाइम याद आता है कि तभी आप घर वालों से है ना झूठ बोल के कि एक्स्ट्रा क्लास और बंक कर लेते हैं करके और है ना नए नए पकड़े भी गए हो कभी ऐसा? पकड़ी तो मैं कभी नहीं गई। मैं अपनी माँ की साड़ी लेके रामलीला में सीता बनता था। अरे वाह। तो अपने पापा पुजारी थे मेरे, तो प्रीस्ट थे, तो छिपाता था मैं उनसे। तो पापा को एक दिन पता चल गया था कि मैं, और मैं वो साड़ी लेके जाता था और मैं रामलीला चलती थी तो मैं सीता जी का रोल करता। तो सीता जी बने में पहचान लिया या वैसे पकड़ लिया? वो ऐसे उनको पता चल गई, खबर आ गई। एंड ही वाज वेरी अगेंस्ट ऑल दिस। उस जमाने में मतलब 90s के टाइम पे अच्छा नहीं सिनेमा को। अब तो सिनेमा में सब एलीट क्राउड से लेके ऑल एजुकेटेड फैमिली, एवरीवन दे फील, अभी गर्व होता है कि हम सिनेमा इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। अब बड़ा गर्व से देखा जाता, पहले सिनेमा वालों को अच्छे से लोग नहीं देखते थे। तो अब तो बात, मैं तब की बात, फिर बड़ा उसमें पकड़े गए थे हम, और बहुत, क्योंकि मैं बहुत छुप के बहुत दिन से झूठ बोल के खेल खेल रहा था, तो पकड़ा गया। फिर अच्छी एकदम इतना मोटा चमड़े का पट्टा था और बड़ा आनंद आया, ऐसा छिलटा निकाला उन्होंने शरीर के एक एक स्किन का, जो रुआ रुआ निकला है, इतना आनंद लिए ना उस रस में, ऐसा पटक पटक के मारे हमको और हमको इतना मजा आया। कई महीने तक वो मजे में रहा क्योंकि पूरा शरीर फूला हुआ था मेरा। तो बड़ा मजा, वो मजेदार किस्सा रहा। और आप जिस तरह से याद कर करके बता रहे हो हमें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है एक्चुअली। पापा भी ऊपर बैठ के ऐसे हंस रहे होंगे जोर से, अभी ऊपर है और बड़ा वो भी आनंद ले रहे होंगे कि बेटा तू रोज मुझे बेइज्जत करता है। Well, आप बता रही थी आप पकड़ी नहीं गई कभी भी? हाँ, मतलब मैं घमंड कभी नहीं किया, लेकिन क्या बात है। लेकिन जैसे बहुत छोटी सी एक किस्सा याद आ रहा है कि दिल्ली में थे हम, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते थे, पापा दिल्ली पुलिस में थे, अब रिटायर हो गए। तो लैंडलाइन नया नया लगा था, तो हम क्या करते थे 161 मिला के फोन रख देते थे, तो वापस रिंग करता था। हाँ हाँ, ऐसा होता। तो ये है, अब छुपके कर दिया, अब जैसे ही रिंग हो रहा है तो दिखाया कि हेलो, हाँ चेतना, हाँ, ताकि किसी को लगे कि मेरा फोन उधर से आया है। और फिर इतने में आपने अपना नंबर मिला के अब घंटों आप अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, तो ये तो सही चल रहा है आपका प्लान। फिर आपका आया महीने का बिल, है ना, नया नया किराया, मतलब पोस्टपेड वाला फोन है। और फिर पापा सर्कल लगा के, ये किसके दोस्तों के नंबर है, लिखाई अपनी फोन बुक। तो पिताजी ने जो अपने रिमांड रूम खोला है वहां पे, और फिर जो, मतलब इतनी पिटाई तो नहीं हुई, बट झापड़ आपड़ तो पड़ा मुझे। बेटियों की पिटाई वैसे भी नहीं होती थी मुझे लगता है ना। नहीं, इतना भी नहीं लगता सही। अच्छा, ऐसा नहीं, चपत तो पड़ी जाती थी, आई थिंक तमाचे तो खाए। तमाचा तो आना चाहिए, माता पिता का एक तमाचा तो जरूर। बस एक मिले वो जिंदगी के सब डोज होता है आपकी लाइफ के लिए, सब कुछ सही जगह पे आके आदमी फिट हो जाता है। लेकिन वो बहुत बैलेंस करता है जीवन के सारे, सब सारे अंदर के गैजेट्स एकदम करेक्ट कड़क से बैठ जाते। आपके दिमाग के गैजेट्स अभी क्या कह रहे हैं, कहाँ खुल रहे हैं, कौन से जुगाड़ याद आ रहे हैं आपको? Honestly, I can't pinpoint, but I think one thing that I learned very early on is how I can use my words to manipulate. Oh, wow. So that I've done a lot. And of course, my parents, can I go for a sleepover? Why? How is it going to happen? It's actually helping me because I can study with my friends. And if I study overnight, then it's going to help me get better marks. So all of that. And not So playing with words, which is great because now I'm playing a lawyer. And that's all about how you twist words. Absolutely smart, huh? और वैसे भी खूबसूरत लड़कियों की ज़िंदगी में जो बड़ी भी हो जाती हैं तो भी manipulation चलता ही है, नहीं? Perhaps. ऐसा कभी manipulation किया है आपने? Not at the moment. राहुल, आपकी लाइफ में?
मैं इन्हीं लोगों के साथ करता रहता था कि 5 बजे पैकअप कर देंगे, 4 बजे कर देंगे, लाइट जा रही है, So you were all into it. करना पड़ता है। बहुत मुझे बहुत बुली किया। मुझे इन्होंने ऐसे ही धीरे से बस हो जाएगा, बस अभी ये हो जाएगा। और ऐसे कर करके ये शो जितना आसान दिखता है शो उतना आसान नहीं था। और इसको शूट आई अंडरस्टैंड क्या पेन से गुजरे होंगे और इतने सारे कास्ट और सबके और इतने जूनियर्स इतने ये और प्रॉपर्टीज की बहुत अहम बिकॉज वो टेक्सचर की प्रॉपर्टी वैसी फाइलें उस प्रॉपर्टी को आर्ट डायरेक्शन का और सारे इसमें लॉट ऑफ वर्क आर देयर एवरी फाइल एवरी थिंग इज बिकॉज राहुल के हम बारे में हम देखेंगे बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं तो आप पूरे उस शो में भी देखेंगे ये तो मस्ती मजाक में हम शो को बड़ा लाइटर बता रहे हैं लेकिन इस शो ने बहुत पीड़ा ली है बहुत पेन लिया है प्रोडक्शन डिजाइन पे काफी फोकस किया है क्योंकि ज्यादातर कोर्ट जब मैं खुद भी जा रहा था तो देख रहा था दीवारें जो हैं वहां आपको दरारें और सलन दिखेंगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सो एक्सेप्ट द आउटडोर लोकेशंस आप जो भी देख रहे हो अंदर ये सब बनाया हुआ है फ्रॉम द कॉरिडोर टू द चेंबर और आप पकड़ नहीं पाएंगे आपको लगेगा आप रियल कोर्ट में एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर है नीरज तो इन लोगों की पूरी तपस्या है और नेटफ्लिक्स को इसके लिए बहुत तारीफ मिलेगी बिल्कुल लेकिन मैं चलते चलते एक चीज जरूर जैसे आपने बहुत बहुत अच्छे से कहा कि सिर्फ लाइटर वे में दिखाया गया बट कई बार ऐसे मुद्दे दिखा दिए जाते हैं लाइटर वे में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और इसमें हमने देखा है वो एक्चुअली कि पीपल नॉट टेकिंग देयर वर्क सीरियसली सम पीपल एंड दैट लीगल एड वाला एंगल वॉज जस्ट रियली हार्ट टची कि ऐसा कुछ होना चाहिए सो हाउ डिड यू गेट अ थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दैट ऑल टुगेदर एंड यू हैव एग्जीक्यूटेड इट सो ब्यूटिफुली आई मस्ट से दिस इज अ वेल लिट शो थैंक यू जैसा अभी हम कह भी रहे थे कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर एक्टर्स सेट पर आए या मैं खुद जाऊँ ना तो मैं ये भूल जाऊँ कि शूटिंग करने आए ऑब्वियसली यू क्रिएट योर ब्लॉक एंड ऑल दैट तो वो लोकेशन बहुत ज़रूरी होती है इसलिए स्पेसिफिकली हमने जहाँ पे कोर्ट बनाया जहाँ उसके बाहर ही हमने वो फॉयर बनाया है तो अगर आप बाहर भी निकल रहे हो आपका शॉट हो गया है तो आप फिर भी एक प्रीमाइसिस में हो तो पहली चीज ये है कि जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि ये लॉयर हैं और ये कोर्ट रूम के अंदर हैं तो इनका बैठना उठना और ये जो छोटे मोमेंट्स आप कह रहे हो वो नेचुरली कैप्चर होता है तो कई बार चलते शॉट में ऐसा हुआ है कि पीछे पंखा खराब हो गया है और हमने उसे यूज कर लिया है क्योंकि अब पंखा खराब होता है तो yeah, that was an easy way to capture those moments. Thank you so much, all of you. Thank you. Being so warm and nice and nice. Thank you. हाय हेलो सत श्री अकाल यू ऑल आर वाचिंग मी एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव वेल जब भी मैं कोर्टरूम का नाम लेती हूं तो पहला शब्द जो हम सबके दिमाग में आता है इफ आई मे आस्क यू आल्सो तो क्या आता है मेरे दिमाग में तो आता है एंजाइटी स्ट्रेस स्माइल करते हुए कह रही हूं लेकिन एक्चुअली होता है ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है मेरा जब भी मैं कोर्टरूम के बारे में सोचती हूं